आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज आप लोगों की कड़ी मेहनत रंग लाई है और आपकी पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है, और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने मुझे विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री बनाया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से करेंगे जी, और माधव जी खासकर आपसे, इसलिए कि आपको होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी गई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का सहयोग मुझे मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। करोड़ों रुपए चुनाव में पानी जैसे बहा चली, और हमनी का नेताजी चीफ मिनिस्टर बनने की जगह होम मिनिस्टर बन गए। रंजीत बाबू, होम मिनिस्टर के कुर्सी कोनो मामूली बात ना होला। पूरा प्रदेश के पुलिस ओकरा मुट्ठी में होला, जौन चाहे तौन करवा सके। का कर सकेला? आए हमरो को बताओ का कर सकेला। बहुत कुछ कर सकेला। अरे पैसा हमार लगवा फाटा था हमार बा। बहुत कुछ कर सकेला। हम तो सोच सोच के परेशान बने कि रुपया आई कहां से। एडिया जी साहब, अरे वे बताई, अरे मर्दे कुछ बोली चुप का है बानी। अच्छा ये बताई कि चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर एक ही बराबर बा। अरे रंजीत बाबू, ये आपस में झगड़ा खेला से कोनो फायदा बा? आगे के कुछ रास्ता निकाली सोची? का सोची? तू तो कुछ कर बाना, जौन सोचे के बा करे के बा बस। क्योंकि कुछ सोचे का जरूरत नहीं थी। कब से तू लोगन का बकवास सुन रहा बानी? हम सीएम के बजाय होम मिनिस्टर का बन गए नी हम? ऐसा लगता है जिससे ना नाच कर लवंडा हो गई नी। अका कहता रहता है होम मिनिस्टर का कर सकेला। हम दिखाई कि होम मिनिस्टर का कर सकेला। अगर हम चाहे ना तो बलवंत सिंह के पिछवाड़ा से कुर्सी ऐसे खसका दी जैसे मुट्ठी से रेत, और वो करब करके दिखाई और आजा करके दिखाई होम मिनिस्टर का कर सके। हाँ बाबा। हम तो ठीक बानी। हाँ बाबा सुनाई। अरे ये हम कहाँ सुन रहे बानी? हाँ, चीफ मिनिस्टर बनते बनते अचानक से होम मिनिस्टर, ये माजरा हमरा कुछ समझ में ना आए मंत्री जी। बाबा, जले पे नमक छिड़कल बंद कर और कुछ काम कर। तारा बंदूक में बारूद तब तक सलामत रही जब तक हमार कुर्सी सलामत बा। समझ में आई? हमार बात ध्यान से सुन। काल शपथ ग्रहण समारोह बा, और शपथ ग्रहण कह के नयका सीएम सीएम ऑफिस जाए, और शपथ ग्रहण समारोह से सीएम ऑफिस के दूरी बा 5 किलोमीटर। यही रास्ता में कुछ हो सकेला जवन भी तू कहिल चाह। ठीक बा ठीक बा ठीक बा। अगर ऐसा बात बात तो फिर धमाका होई, ऐसा धमाका होई कि फिर पूरा के पूरा बिहार ओकर गून से थर्रा उठी। पिछले कई दिनों से इस राज्य में अपराध की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही। इसको देखकर कोई भी यह कह सकता है इस राज्य में प्रशासन नाम की कोई चीज रही नहीं गई है। आखिर क्यों क्यों हम लोग आतंक पर काबू नहीं कर पा रहे? अगर यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं है जब जनता और मीडिया को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। कुछ पता चला इस घटना के पीछे किसका हाथ है? सर, अभी तक तो कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर मालूम पड़ा है कि माओवादी संगठन का मुखिया बाबा टाइगर सारी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। अगर ऐसा है तो तुरंत इसकी जांच कराई जाए और किसी निपुण ऑफिसर को इस केस के लिए बहाल किया जाए।
ताकि हम लोग जल्द से जल्द किसी ठोस नतीजे पर पहुंच सकें। यस सर। सर, हमारे डिपार्टमेंट में दो ऐसे जाबाज ऑफिसर्स हैं, यदि उन्हें ये काम सौंपा जाए तो वो इस काम को अच्छे से कर सकते हैं। कौन है वो दोनों? सर, जय और विजय। कौन जय विजय? सर, आपको याद होगा पिछले साल चुनावी रैली में आप पर हमला हुआ था, उन दोनों ऑफिसर्स ने आपकी जान बचाई थी। अरे हाँ, कहाँ है अभी वो दोनों? सर, डीआईजी साहब से नहीं बनती थी इसीलिए पुलिस लाइन में भेज दिए। अरे ये क्या मजाक है, किसी से बनेगा नहीं तो आप उसको लाइन हाजिर कर देंगे? सर, उनके काम करने का तरीका बिल्कुल गलत था इसीलिए अभी के अभी उन्हें इस केस के लिए बहाल किया जाए। इस केस के तहत वो हम माओवादियों पर कार्रवाई करेंगे और जरूरत हो तो डायरेक्ट उनकी मुझसे बात करवाई जाए। यस सर। यस सर। मीटिंग इज ओवर। ओके सर। बड़ा फोन आवत है घरी तोहरा। अरे एसपी साहब के फोन बा। अच्छा। हेलो, गुड न्यूज फॉर यू एंड जय आल्सो, तुम दोनों टाउन थाना और कोतवाली थाना ज्वाइन करो। यस सर। तुम टाउन थाना ज्वाइन करो और जय कोतवाली थाना ज्वाइन करेगा। ओके सर। एसपी साहब के फोन रहे और बुलौले वार्डन ज्वाइनिंग खातिर। उनका ड्यूटी के चक्कर में ब्यूटी खराब होता, बात बुझाते नहीं है। का बात बा बेटा, एसपी साहब काहे बुलौले बाड़े? अरे माई, कौनो नया जिम्मेदारी देवे खातिर बुलौले हुए हैं। माई तू हमनी दोनों बेटन के आशीर्वाद दे दा कि हमनी कभी फर्ज से पीछे ना हटी। हमार आशीर्वाद तू लोगन पे हमेशा बा। अच्छा जी, हमनी का जो कुछ भी बानी जा तुहरे आशीर्वाद से बानी जा। अब एगो आशीर्वाद और दी, कभी भी हमनी के जोड़ी पे केहू का नजर ना लगे। हाँ माई, हमनियो के आशीर्वाद कि सीता और उर्मिला की जोड़ी ऐसे ही बनल रहे। हाँ माई। काजी, तू लोगन के जोड़ी भगवान करे ऐसे ही बने रहे। हाँ चाची, तनी आशीर्वाद भरपूर दी है लोग के। और हाँ, तनी मुनी समझाई दी है घर के कारोबार, सब्जी उब्जी बनावे आवेला कि ना, काम करे आवेला कि ना। अच्छा, ज्यादा होशियार मत बनी, समझ ली ना? ना तो फिर पता चलेगी ड्रेस देख के। बस हो गई, इतना मत दे बस, चल। मैंने बोल देनी तो अगला ठिटिया है। जय हिंद। जय हिंद सर। विजय और जय, तुम दोनों का एक बार फिर से डिपार्टमेंट में स्वागत है। तुम लोग पहले की तरह बहादुरी और ईमानदारी से अपना काम करोगे। बाबा टाइगर का आतंक एक बार फिर से क्षेत्र में बढ़ गया है, उस पर तुम लोग काबू करोगे। ओके ओके सर। जय, तुम कोतवाली थाना चार्ज करोगे। यस सर। और विजय, तुम टाउन थाना चार्ज करोगे। यस सर। जाओ ज्वाइन करो। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय विजय के अचानक पोस्टिंग हमारा समझ में नहीं आवत। जैसे एसपी के रहते हमने के पोस्टिंग भइल है, लेकिन विजय। अरे लेकिन वकीन छोड़ यार, जब सीएम साहब डायरेक्ट बुलौले बाड़न तो माई से आशीर्वाद लेके कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लेल जाए। ड्यूटी तो ज्वाइन कर जाई, लेकिन केहू ना केहू तो जरूर सीएम साहब से चर्चा कैले हुई, तबे न सीएम साहब हमनी के पोस्टिंग पर मोहर लगौले बड़े। अगर ऐसी बात बात ओहो पता चल जाए, और हो सकेला कि एसपी साहब खुद ही सजेस्ट कैले हुए हैं। इहो हो सकेला। अच्छा ये बताओ, खाली ड्यूटी ड्यूटी कैले रहा तरह ड्यूटी पे के ध्यान दे। चल
हाँ बाबा, बाबा हम ये सब कहा सुन रहा बानी? कहा सुन रहा बड़े नेता? अरे वो जय विजय तुरे आदमी के धुनक धुनक के मरने सन, और तुम्हारा आदमी सन जान बचा के भाग गए ना वहां से। चिंता मत कर नेता, हाँ एक ने एक दिन तो उठ पहाड़ के नीचे आई वे करी। अभी एक काम करने था, फोन रख, असगर भाई के हमर पाकिस्तान से फोन आ रहा बा। अरे हम ऑनलाइन में तू हमरो के बात करावा। अच्छा एक मिनट होल्ड कर, हाँ बात कर। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मंत्री जी, बोलो कैसे हो? क्या मंत्री जी, तुम लोग तो हमारा एक काम नहीं कर पाए, हमारा एक आदमी को नहीं छुड़ा पाए। अरे आप चिंता मत करें असगर भाई, आपके आदमी इनके जितना जल्दी हो सके छुड़ाई। ठीक है मंत्री जी, हमारा आदमी छूटना चाहिए किसी भी हालत में, और पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाना है। और हाँ आपका प्लान बहुत अच्छा है। ठीक है मंत्री जी, खुदा हाफिज। सलाम वालेकुम असगर भाई। वालेकुम अस्सलाम बाबा। क्या बाबा, तुम लोग हमारे एक आदमी को नहीं छुड़ा पाए? वो अभी तक हिंदुस्तान की जेल में कैद है, अब तो तुम्हारे लिए उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा। अरे नहीं नहीं असगर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हम उसे जेल से भी छुड़ा लेंगे, हमारे आदमी हर काम में माहिर है। बाबा अब मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ गौर से सुनो, मेरी एक खास लड़की है शबनम, जिसे मैं तुम्हारे गैंग में भेज रहा हूँ, वो तुम्हारे ही हिंदुस्तान के कश्मीर की रहने वाली है, तुम उसे अपने गैंग में शामिल कर लो। वो एक आतंकवादी है, वो खुद ब खुद अपना सारा काम कर लेगी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अब उसे भेजिए, हम उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। ठीक है बाबा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। क्या बात करता है? देख अरे रे हो देख, बस पहुंच गया। ओए होए होए होए, आज तक जतना बन गई बा। आ चल। ए होश में रहो। अरे चल 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 सुनसान रास्ता में क्या हो तू और क्या करता रू? नहीं कुछ नहीं, मैं तो अपने घर जा रही थी। मैं शहर में पढ़ती हूँ ना, यही बगल के ही गांव में मेरा घर है। अच्छा भैल की पुलिस वाला आ गई ना, तो आज तार कल्याण रहे, आइंदा से ख्याल रखियो। हाँ चला गाड़ी में बैठा छोड़ दी। नहीं नहीं मैं तो बस रोज जाती हूँ, मैं चली जाऊंगी। अच्छा, थैंक यू सो मच। चलो ठीक बा, ध्यान रखियो। भैया ये देखा तुम्हारा से के मिले आयल बा। क्या नाम है तुम्हारा? मैं शबनम। शबनम, असगर भाई ने मुझे सब बताया था। एक काम कर, एक तनी ले जा तनी और आराम उराम कर बाबा, और सुना कोनो दिक्कत ना होगी कि चाहिए, बढ़िया से ध्यान रखिए, जाओ अब आप आराम करो। और हाँ अब से तुम्हारा नाम शबनम नहीं है, कजरी है, यहाँ पर सब कजरी बुलाएंगे तुमको। ओके ठीक है। यार जिंदगी में सब कुछ करिया लेकिन हाँ। पुलिस वालन से प्यार मत करिया। बिल्कुल सही कहत बाड़ू, हमार बिटिया हुई ना तो हम ओकरा के अपन क्रिया दिला दे कि तू कौनो पुलिस वाला से प्यार मत करिया। सोनम रानी ई करे खातिर हमने लोगन के अपना पुलिस वाला जय विजय से बियाह करे के पड़े, तब जाके बेटा बेटी हुई ना। ये बात तो ठीक कहलू, लेकिन अरे लेकिन यार ये दोनों पुलिस वालन के
हमनी खातिर टाइम कहाँ बा कि बिहा के बात करस। हाँ, एगो उपाय बा हमरा लगे ई दोनों लोगन के अपना काबू में करे खातिर। का बोले तो ट्राई कर जाए। बिना बिया कैले माई बने के पड़ी। अरे बिया के बाद के काम बिया के पहले कर जाए। हाँ और न तो का, हम तब पूरा प्लानिंग कर ले बानी। ई मुलाकात में हम अपन ऐसन जलवा दिखाई, ऐसन जलवा दिखाई कि उनका होश उड़ा दे और उनकरा के छोड़ब ना। फिर उकरा बा बस पकड़ी बस, इकरा से आगे मत बोला, काहे कि दिल की धड़कन तेज हो रहल बा। साचो में? हाँ बहुत तेज। सुना थक 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 थक। फिर ना तू भी तैयारी करा जय के साथ अपन जादू दिखावे खातिर। अरे बोले लू। अरे सोनम सुना तो। ओहो ला ये फाइल जय के ऑफिस में दे आओ। यस सर। हेलो हेलो विजय। हाँ पूजा बोलो। पता ना आज मन कुछ ठीक नहीं खिलागत, कहीं बाहर मिलल जाए। ठीक बा, लेकिन कहाँ? वही जहाँ हमेशा मिलल जाला, गार्डन में। ओके। अच्छा विजय सुनो, जय के भी साथ ले ले गया, सोनम भी आई। ता ठीक बा रानी, तू जैसे कहबो वैसे ही होई। लव यू। बाय। आवते होई लोग। हाँ वो देखा वो लोग आके जब हम कहीं तब ड्रामा करी। हाँ अरे पूजा अचानक काहे बोलो लोग? घर में मन ना लागत रहे, सोचने की कहीं बाहर घूम के आई। ओ घर में मन ना लागत रहे ना काहे? पता ना जय कहीं इनकरा के कोनो रोग तो ना धले ल। पता ना का पता ना पता ना पता ना कहले बड़ू का पता बतोगे? पता ना बा, पता ई बा कि हमार नाम सोनम हा और तहार नाम जय। और हमार नाम पूजा। अच्छा चलो भाई ई तो पता बा कि हमार नाम जय हा। पूजा पूजा अरे 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 का भइल पूजा? एकर तो तबीयत खराब हो गई। विजय एकरा के घरे ले जा, एकरा आराम के जरूरत बा। ना सोनम पूजा ठीक बा जय हम जाता नहीं। चला आगे बढ़ा चला आराम से। पूजा संभाल के संभाल। अरे अरे तू कहाँ जाता रहा? जाए तो ना काहे दाल भात में मुसरचंद बनत बड़ा। हाँ अच्छा ई नाटक भैया चलो तोहर व्यवस्था कर दी। पूजा संभाल के आराम से आराम से चलो। बैठा। सुना विजय तू बैठा, हम फ्रेश होके आवत है, तू बैठा प्लीज। ठीक बा। लेकिन के का हो जाला अचानक? बहुत टाइम हो गया। पूजा
पानी चागल बा हसन में आगे लागल बा देखा था रे कुछ ना भैया चल भाई यहां से यस सर विजय कल आतंकी अब्दुल को जिला अस्पताल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा है वहाँ अंदर तुम्हारी ड्यूटी रहेगी पूरी सतर्कता के साथ रहना ये बहुत ही खतरनाक आतंकवादी है पलक झपकते ही कुछ भी कर सकता है ओके सर आई नो रहुआ बेफिक्र रही सर हमरा रहते वहाँ परिंदा भी पर ना मारी ओके टेक केयर थैंक यू सर एक मिनट
कहाँ था? ड्यूटी पर ही था सर। हाथ नीचे करो। जी सर। बराबर ड्यूटी दो। ओके सर। यहां से कोई गया? हाँ सर, एक नर्स और साथ में पेशेंट। नर्स, शबनम, मिशन का क्या हुआ? असगर भाई, मिशन कामयाब होने ही वाला था, लेकिन एन वक्त पे वहाँ इंस्पेक्टर विजय आ पहुँचा। वहाँ जबरदस्त हाथापाई हुई और उस मारामारी में हमारे दो आदमी भी मारे गए। वो तो खुदा का शुक्र है कि मैं बच के निकल गई। ये जय और विजय की तो ऐसी की तैसी, लगता है इन दोनों का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर, तुम्हारा तो अब खैर नहीं। एक तरफा ही सही, प्यार तो प्यार है, उसे ना सही मुझे बेशुमार है। आई लव यू जय। चढ़ली जवनिया के बात
बाटे खुमार हो कह बताई हम हूँ रानी बहनी पे करार हो आप थले बाटे घर में गरम बाटे माइंड हो हमार सोना हो हमार चानी हो हमार सोना हो कोना में चला पड़ी हिसाइन हो हमार सोना हो कोना में चला पड़ी हिसाइन हो हमार सोना हो कोना में चला कोटी हिसाइन हो हमार सोना हो कोना में चला कोटी हिसाइन हो गीता जी गीता जी मैडम गीता जी कहाँ खोल रहनी है मैडम कुछ ना बस ऐसे ही और बताएं सब ठीक है बा खोल रही जेकरा बारे में सोचा था नहीं ना वो रउआ के मिले वाला नहीं खे मतलब मतलब ही के जय सर पहले से केहू और के हो चुकल बाड़न तो उसे का भइल दिल पे केहू की जोर थोड़ी ना बा ना दिल पे जोर लगवले रही अगर कुछ ना होई ना तो हम बानी तू खाली सपना देखत रहा समझ ला हेलो हेलो मत कर अपना बाप जय के फोन दे पहले काहे माई की आवाज पसंद आइल का केकर नाजायज औलाद बोलत आड़े बाबा टाइगर जाना कानून के अपना अफसरन पर तेरा बहुत भरोसा बना वक्त पतलून गीला करे के पूरा व्यवस्था कर देले मानी और हो सिर्फ आधा घंटा में तेरा दोनों फौलाद के अंदर कितना कुवत बा पता चल जाए तेरा उ तो कुछ वसूल और वर्दी के मर्यादा हाथ रोक दे ली बा वरना बाबा आज के आज ई कानून के रखवालन में इतना कुवत बा कि तोहरे बरात के साथ साथ जनाजा निकाल दी सब इंस्पेक्टर साहिबा वो दोनों के अंदर कितना कुवत बा और तहरा अंदर कितना कुवत बा बचा के रख वो दोनों के कब्र खोदे के खातिर कहे कि वो दोनों के मौत के पुख्ता व्यवस्था हम कर दे लेवानी और वो सिर्फ आधा घंटा में का ई का बोला तारे चूक मत सब इंस्पेक्टर साहब हमार बात ध्यान से सुन शहर के दोनों मॉल और सरकारी अस्पताल में बम फिट हो गई बा फटे के टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही बा और सब के सब आधा घंटा में फटी बस हेलो हेलो बैक फोन हेलो केकर फोन रहे सर बाबा टाइगर के फोन रहे वो कहले से कि शहर के दोनों मॉल और सरकारी अस्पताल में बम रखल बा और तीनों के फटे के टाइम एक है अच्छा सर अब का होई अजय बोल बाबा टाइगर के फोन आई रहे कहा था कि शहर के दोनों मॉल और सरकारी अस्पताल में बम फिट कर देले बनी और तीनों के फटे के समय एक ही बा ये हमरा समझ में नहीं आवत कि का करी तू लोग पहुंचा हम जल्दी आवता नहीं ठीक बा आ जा जल्दी
फास्ट, समय बहुत कम बा। जी जाता नहीं। अभी भी कहा था नहीं, रुक जो। अरे इंस्पेक्टर, तानी के जानत नहीं कि हमनी के बाबा टाइगर के आदमी बानी जा। अच्छा, हेलो रवा, बाबा टाइगर के आदमी है। हेलो जय, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ सर, तीनों जगह के बम डिफ्यूज हो गई बा, और बाबा टाइगर के गुंडा पकड़ा गई बा, और गलती से एक के गोली लग गई बा, ये वो पकड़ा गई बा। नो प्रॉब्लम, कुछ उगलत नहीं है सर। जो गिरफ्तार हुआ है वो सब उगलेगा, उससे उगलवाओ। ओके सर। जय केकर फोन रहे एस पी साहब के काका तरलन कहा तरह की जे भी पकड़ाई बोकरा सारा राजू गुलवाए को पड़ी। इतना आसान नहीं के, ये सब साला लोग वादा के बड़ा पक्का होकेलन। अरे विजय, पुलिस वाला के बारे में तो होके भी पता बा, पुलिस वाला के हाथ कमजोर ना होला, ये कहकर बाप उगली। हाँ गड़बड़ तो बा, लेकिन अब रंजीत। हाँ एक काम, अरे बाबा का फोन। हाँ बाबा। चाल पे लात मार देना तो एक आदमी भी गिरफ्तार भाई। ओ लोकरा कि हमरा आदमी के छुड़ाए जल्दी, मैं तो कल के सूरज तोरी लोगन के खातिर अंगार लेकर के आई। जय विजय, जय विजय, ये दोनों सच में नाक में दम के देले पड़ा है। एडिया जी, एसपी के फोन कर और बोल कि चाहे जैसे भी हो बाबा के आदमी के छोड़वावे, वरना इस सन की बाबा फिर कौनो नया कांड कर दी। आप चिंता मत करी, हम पूरा कोशिश करता नहीं। कोशिश ना, फोन करके बोल। कोशिश करता नहीं।
हेलो सर, ऐसा है कि जय विजय को बोलिए कि वो तुरंत जो है बाबा के आदमी को छोड़ दे, नहीं तो आपको तो मालूम है कि बाबा के पागलपन में कोई नया बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। वो तो ठीक है सर, लेकिन वो दोनों कहाँ किसी की सुनते हैं सर। अरे आप उनके सीनियर हैं, आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे वो लोग। वो तो हूँ सर, लेकिन आप बात करेंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, आप भी तो सीनियर हैं सर। ठीक है मैं ही बात करता हूँ उनसे। ओके सर ठीक है सर, जय हिंद सर। हेलो हेलो विजय सर, गुड इवनिंग। आप ऐसा कीजिए, बाबा टाइगर के आदमी को पहले छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर कोई नया बखेड़ा कर दिया ना तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। छोड़ दूंगा सर, पर मुझे आपको लिख कर देना होगा। क्या बक रहे हो तुम? आप हमारे सीनियर हैं सर, मैं भला आपके सामने क्या बक सकता हूँ। मैंने कहा आप मुझे लिख कर दें, उस आधार पर मैं इसे छोड़ दूंगा। पागल हो गए हो तुम? इसमें पागल होने की क्या बात है सर, अगर बाबा टाइगर कुछ नया कांड करेगा ना तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। नो प्रॉब्लम सर, वी आर ऑलवेज रेडी। ठीक है, जो मर्जी वो करो तुम। थैंक यू सर। ये एसपी जोनपा ना, एसपी क्या करता रहा यार, हैं? तू हमारे सलाह माना, ये वर्दी उतारा और कौनो साग सब्जी की दुकान खोल ला तू, काहे की दम दबचल ला तू हरे में। शांत रही, दम कहां से रही? दम दिखावे खातिर अंदरों से तो कुछ रह के चाहिए। हां अरे वो तो इनका राजनीति का चटनी चटा के अपनी चौखट पान ले बानी, देह पर तो खाली सरकारी वर्दी है बा, बाकी पूरा देह में तो तोहरे नमक बा। अरे वकील साहब, अरे क्यों जूनियर ऑफिसर से ऐसे बात करेला? अरे महाराज एगा तो लोग अपना मेहरारू से बतियावेला। हेलो हाँ ठीक बा ठीक बा। वकील साहब ठीक, अब लागत है कि हमरे के कुछ करे के पड़े। लाले बिंदिया लाल लगाए एम्बुले।
बाबा क्या कर रहे हो तुम? दोनों की कुंडली हमने मंगाई है। पता चला है कि दोनों की दोस्ती बहुत मजबूत है। तुम लाख चाहने के बाद उनका कुछ भी नहीं कर पा रहे हो बाबा। अगर आतंक के पौधे में जंग लग जाए तो सड़ जाता है। हमें आतंक को मजबूत करने के लिए उन पौधों को आतंक से सींचना पड़ेगा, सींचना, और उनके दिमाग में आतंक का पानी भरना पड़ेगा, तब जाके जड़ मजबूत होगी। तुम्हें बेरहम बनना होगा, कसाई बनना होगा, तब जाके आतंक मजबूत होगा, तब तुम कुछ कर पाओगे। हमें हिंदुस्तान को बर्बाद करना है, बर्बाद। अच्छा अच्छा ठीक है, सबर रखो असगर भाई। नहीं बाबा, किसी भी हालत में हमें मोहम्मद चाहिए। मोहम्मद तो तुम्हारे पास सही सलामत पहुंच जाएगा। नाम का तो बाबा हूं लेकिन काम तो कसाईयों वाला ही करता हूं। ठीक है, खुदा हाफिज। डीएम जिले के लोग अभी आए ना? कहाँ ले जा रहे हो तुम? लेके आते ही होंगे। देखो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम लोग जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। भैया आ गए, छोड़ दो। कहाँ ले आए हो मुझे तुम लोग? अरे बहुत बोले ताड़े तू डीएम, शांत हो जो, पट्टी खोले कर। हाँ डीएम, जगह की और हमार सब आदमियों के तनी गौर से देख ले। बाबा? बाबा ना, बाबा टाइगर। मुझे यहाँ किस लिए लाया गया है? कुछ खास काम नहीं है, बस समझ लो कि कुछ अदला बदली करना है। मतलब? मतलब तुम्हारे वो दो जांबाज पुलिस अफसर, हमारे खास आदमी और हमारे दोस्त असगर का भाई मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है, बस उसी को छुड़ाने के लिए तुम्हें यहाँ लाए हैं। ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम। हाँ विजय। यस सर। अभी अभी पता चला है कि जहानाबाद के डीएम अविनाश मिश्रा जी को अगवा कर लिया गया। और जानते हो इसके पीछे माओवादी संगठन के मुखिया बाबा टाइगर का हाथ बताया जा रहा है। और साथ ही ये भी पता चला है कि बम विस्फोट के दौरान अपने पकड़े गए आदमियों को छुड़वाने के लिए उसने ऐसा किया है। ओके सर। क्या हो, केकर फोन रहे? एसपी साहब के फोन रहे, वो बाबा टाइगर डीएम साहब के किडनैप कर ले लेवा। कोनो चिंता करे के बात नहीं है, बाबा टाइगर का औकात जानता नहीं हम, वो सिर्फ हमी के ब्लैकमेल करता और कुछ ना। हम सुन ले बानी, बाबा टाइगर बहुत खतरनाक आदमी बा, अब का हुए बेटा? अरे माई कुछ ना हुई, तू चिंता मत कर, हम नहीं जाके डीएम साहब के छुड़ा के ले आए, वो बाबा टाइगर कुछ ना कर पाए, चल जाए। अब तुम लोग क्या करोगे? तुम लोगों को कोई बात समझाई जाए तो समझ में तो आती नहीं है, और आएगी भी कैसे? तुम लोगों का जो काम करने का तरीका अलग है। अब निकालो अपना नया तरीका और बचाओ डीएम को, पर एक बात का ख्याल रखना कि उनको एकदम सुरक्षित लाना है। लेकिन इसमें गलत क्या किया सर? वाह, गलत क्या किया है? जब पिछली बार मैंने कहा कि उसको छोड़ दो तो तुम लोगों ने मुझसे लिखित मांगा था, आज मैं तुम लोगों से लिखित मांग रहा हूं, गारंटी लोगे कि डीएम सुरक्षित वापस आएंगे? जाओ बाबा टाइगर से सुरक्षित डीएम साहब को छुड़ा कर ले आओ, और एसपी समझाओ इन लोगों को, समझाओ तुम। यस सर, हम उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और उसे गिरफ्तार करेंगे। और एक बात का ख्याल रखना, मुझे पल पल की खबर चाहिए कि क्या हो रहा है। ओके सर, हमारे ख्याल से विजय बाबा टाइगर के कॉल का इंतजार करना चाहिए। सर सर, हम अविनाश जी के पत्नी पुष्पा बानी और वो अस्थमा के रोगी हवन, देखिए उनकर पंप भी छूट गए बा, अगर उनकर कुछ हो गया तो हम का करब? रहुआ चिंता ना करी, अविनाश बाबू के कुछ ना होए, हमनी उनके खरोच भी ना आवे देव। हाँ मैम, जब तक हमनी के बानी जा उनकरा के कुछ ना होए, भरोसा रखी।
का भइल? डीएम के बारे में कुछ पता चलल का? ना, अभी तक कुछ पता ना चलल, लेकिन बाबा टाइगर के फोन के इंतजार बा। देखा अब का हुई बेटा? कहीं ऐसा ना होके कि वो आप लोगन के प्रतिक्रिया के इंतजार करत होके? कहे कि आज सवेरे ही डीएम साहब के अगवा कइल गइल बा। बाबा टाइगर के भी कोनो संदेश ना आए। बाबा टाइगर उस शख्स के नाम है कि कोनो भी अंजाम देवे से पहले वो कल के बारे में सोचला। हेलो, बाबा टाइगर अपन कलेजा के मजबूत कर ले इंस्पेक्टर, वरना शेर के दहाड़ सुन के नहीं तो कलेजा न पड़ जाए। अरे चुप, तो के पता नहीं है कि अगर सियार भी अपना टीना में से बोलेला तो करापन आवाज भी सिर ले खला गेला। काम की बात कर। इंस्पेक्टर, हाईवे पे जॉन बसेरा लाइन होटल बा, ओजा तो हमर खास आदमी और हमर दोस्त असगर के भाई मोहम्मद के लेके आ जा। और हाँ, अगर कोनो चालाकी भइल तो डीएम ना डीएम के लासे जाई तो उन्हीं के पास। लेकिन एक बात याद रखियो, अगर डीएम साहब के खरोच भी आई ना तो तोर आदमी तोर लाश भी ना उठा पाई है। चल ट्रक। देखा, हम तोरा डीएम के बिल्कुल सही सलामत यहाँ लेके आयल बानी। अब हमारा आदमी के भला मानुस के इसे चुपचाप छोड़ दो। बाबा टाइगर, तू आपन गिरोह के आदमी के छुड़ा रहल बाड़ा, ये बात तो समझ में आता। लेकिन मोहम्मद के छुड़ा के तू अच्छा नहीं कर, पूरा देश के गद्दार बा मोहम्मद। अब बेसी पहाड़ा मत पढ़ावा हमरा। हमरा तो भाई एक के पहाड़ा आवेला, वो दोस्ती के निभावल। और असगर हमार बहुत प्यारा दोस्त बा, और तू अकरा भाई के गिरफ्तार के लिए बड़ा, ऐसे तोर भला यही में बा कि चुपचाप ओकरा छोड़ दो और ये डीएम के रुखसत करे यहाँ से। ए, छोड़ दो। टाइगर के साथ धोखा इंस्पेक्टर। अरे डीआईजी, थोड़ा सा अपन वर्दी का भी तो ख्याल रखे यार। नेताजी, ये का सुना था नहीं? अरे इतना अंधाधुंध फायरिंग कोयले असर दोनों जय विजय वा कि बाबा के जान बचा के भागे के पड़ गई था। उनका आदमी शेरा मारल गई। डीएम के का भाई? दोनों लेके गोयले सोकरा के। बाबा लगाई लगाई बोला बाबा। ए नेता, इतना उदास का है बड़े हो? तोरा पार्टी में क्यों के मौत हो गई बा का? बाबा मजाक मत करा, हमरा के सब खबर मिल गई बा कि का भइला। अब हमरो दिमाग सनक गई बा। दिमाग सनक गई बा तो अस्पताल में भर्ती हो जो, इलाज होई तो दिमाग सही हो जाई तोहर। पर हम आए वहां तोरा से मिले खातिर। हमर दिमाग यहाँ बिल्कुल सही बा बाबा। अरे नपुंसक होकर के बैठा लग तू सबके सब, अब बैठ के तमाशा देख और जब ये के गाना मा के गीत गा। काहे के ये फाटत हमार बा तो तोहनी के काहे के लल दर्द होई? एक चीज मत भूल, जब ये जंगली टाइगर आदमखोर होके जंगल से बाहर निकली तब का होई? बाबा 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 हमार बात सुन। बाबा तू शांत हो जा पहले। देखा हमरो बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकल बा, पहले हमार बात सुन। देखा जब एक राजनेता कूटनीतिक चाल चलेला ना
तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी कच्चा खा के गिर जाना। अब तो ये देखा कि हम कैसे खरी ले सब, लेकिन तू बस शांत रहा कि पहले सोचा समझा फिर करा। ठीक बा, देखा था नहीं तो निकेल राजनीति और कूटनीति दोनों मिल गए, दोनों के कितना सबक सिखावा था। का भाई का कहा था बाबा? अब कहे और सुने का टाइम नहीं खेबा डीआईजी, करे का टाइम बा। राजनीति कहा था कि फूट डालो और शासन करो, लेकिन सबसे पहले हमनी के ही करे के बा कि जय विजय की जोड़ी हमेशा खातिर टूट जाए। बिल्कुल सही, एकरा खातिर हमारा पास एगो प्लान बा। कहा? गुड, बहुत बढ़िया। देखा नेताजी, जय का सबसे कमजोर नस दबा दी, खुदे सारा तड़प के मर जाए। बहुत दिन हो गए कौन जवान लेके के छोले आश मचाए, बहुत गरम भी अरे मजा दी, सच में मजा दी। कुर्सी भी बड़ी जालिम चीज बा यार, एकरा चक्कर में आदमी कैसन कैसन चीज भुला जाला है। दरवाजा खोला, जरा संभाल के भाई। दरवाजा ना खुली, अब खुली कुछ और। इगुड़नी का रंग पियर, हमरे बॉडी पर जादू चला रहल। अरे अब कहाँ जेबु बच के। अरे जी पकड़ कर रखे, कहाँ जेब नहीं का। अरे मेरी बात सुनो। जी सर। इस केस को तुम हैंडल करो, ओके? ओके सर। हेलो। हेलो विजय। यस सर। तुम ऐसा करो, तुरंत जो है डीएम मार्ग पर बंगला नंबर 47 में पहुंचो। उस जगह पर सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा है, मैंने जय को वहां भेज दिया है।
तुम अपने साथियों के साथ तुरंत वहां पर पहुंचो। ओके सर। गीता जी मूव फास्ट। ओके लेट्स गो। मंत्री जी। हाँ एकदम चौचक्र हाल मजा आया। हाय मैं बर्बाद हूँ। हाय देखा, हाय देखा वकील साहब के। उपवास टूट गया। ऐसे लजात बाड़न जैसे पता ना कौन पाप का ही क्या होता रहे। इनका से मिली, इनका से मिली। हंसले तू लोग के जितना हंसे के बना हंसले। अब हम तोहनी की असलियत मीडिया के सामने लाई। हमार जय इंस्पेक्टर जय तू लोगन के छोड़ी ना। हाँ, हाँ। तू लोगन के छोड़ी ना। मंत्री जी वो पुलिस वाला आइल बा। हमार जय आ गई। निकल तो सोच तत्र बहुत अच्छा बा लेकिन ते जिंदा रहे तब ता सोनम सोनम गला हमके नाम बताओ सोनम सोनम हमके बताओ हम बानी ना कुछ ना तो क्या तू नाम बताओ सोनम 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 अरे ये तो सोनम भैया ये का कहले एक रख के मार दे ले ना बीजे हम कुछ नहीं किए अरे हम तो सपना में भी ना सोच ले रही ये तो ऐसा काम कर बे यकीन कर बीजे हमार हम ही खून के किले चुप एकदम चुप हाथ में खून से लथपथ चाकू लेके कटाड़े कि खून हमने खिगेले अरे कैसे यकीन करी तुम्हारा पे विजय तू हमारे दोस्त हो के हमारे पे यकीन ना करबो तो के लागत था हम जिकर से प्यार करबो कर मर्डर करब यही देख के तो हैरान माने हम कि ये तू का कहले गिरफ्तार करा एक रखे ए लाश के पोस्टमार्टम खातिर लेके चला जी सर विजय विजय हम फिर कहा तनी हमारे यकीन करा एकरा के काल जाला एक तीर कई निशाना हाथ ठीक चला मिलोट सबसे पहले मैं माननीय अदालत को ये बता देना चाहता हूं कि मुजरिम जय सिंह उस दिन बंगले पे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए गए थे और जय सिंह जब वहां गए तो इन्होंने देखा कि इनकी खुद की प्रेमिका सोनम सेक्स रैकेट में शामिल है और तो और गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में। मिलोट आप सोच सकते हैं मैं भी सोच सकता हूं कि कोई भी इंसान अपनी खुद की प्रेमिका को दूसरे मर्द के साथ उस तरह की आपत्तिजनक स्थिति में देखेगा तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। मुजरिम जय सिंह ये देखकर पागल हो गए ये अपना आपा खो बैठे इतना गुस्सा कि इन्होंने अपनी प्रेमिका को मार डाला। That's all, Mirout. पेश किए गए तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम जय ने ही सोनम का खून किया है। अतः अदालत दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है।
जी साहब, अरे वो जयवा जन बाना जेल से भाग गई। अरे का भइल नेता जी, यहां सब गड़बड़ हो गई, पूछे तारे का भइल, चल निकल यहां से, बंद करा सब। क्यों चलाई गोली? अरे गोली मैं भी चला सकता था, इडियट। जैसा यहाँ नहीं है, हमें कहीं और देखना चाहिए। बराबर देखो, यहीं कहीं होना चाहिए। सर, जैसर को गोली लगी थी, मुझे नहीं लगता कि अब वो जिंदा है भी या नहीं। ना गीता ना, हमरा पूरा विश्वास बा जय मरल तो नहीं की। ए, उन्हें जाके देख। लेकिन हाँ, हमरा तो अनुमान लागा था कि यहाँ से बह के काफी दूर चल गई हुई। हाँ, हो अच्छा एक काम करा। जी सर। इन नदी के किनारे पड़े वाला जितना थाना बा सबके खबर करा। ओके सर। कि जे कहीं जख्मी हालत में मिल जाए तब फौरन हमरा के खबर करे। ठीक है सर। हेलो। हेलो, रामगढ़ थाना। जी मैडम। हम सब इंस्पेक्टर गीता सिन्हा बोले तानी। जी बोली मैडम। अगर राहुल लोगन की कोई लाश या फिर कोई जख्मी आदमी मिले 26 से 27 साल तो हमने लोगन के तुरंत इन्फॉर्म करें। ये तो इंस्पेक्टर जय है। हाँ हाँ, चलो चलो इनका के लेके चलो। चलो पकड़ा पकड़ा। बिजली सांस चल रही है। अच्छा चलो इनका के अड्डा पे लेके चलो। आओ ले चलो। चलो हाँ चलो चलो आ जाओ। बेटी,
इतना घबराए के कोनो जरूरत नहीं खे। रात भर ठंडा पानी में पड़ा रहला के कारण शरीर ठंडा पड़ गेल बा। इनकरा के हम दवाई दे देता नहीं, फिकर मत करिए, सब ठीक हो जाई। और ये तेल के मालिश भी कर दिया इला, एकरा मालिश से इनकरा शरीर में गर्मी आ जाई। इनके ख्याल रखिया, ठीक है। अच्छा हम चलत पानी। प्रणाम। जय। अरे वो मर गए महाराज। अरे तू बात हमरा के लागा था उ जयवा के गंगा मैया बड़ी दूर तक बाबा के लेके चल गई ली हो। अरे रंजीत बाबू कैसे मान लिहल जाए कि वो मर गई जब तक ओकर लाश ना मिल जाए। अरे महाराज जी जब बोली उल्टे बोली। अरे जल समाधि ले लेले होई तब लाश कहाँ से मिली प्रभु। अरे महाराज हमरा जिंदगी में पहली बार ऐसा भइल बा जौना के हम उम्र कैद के सजा दिलवौले होखी और रातों रात अपने आप मौत के सजा में बदल गए। सुनिया आ गया बा। देखा तिवारी तू डर सोचा मत, वैसे ही तोरे पास दिमाग कम है, डर सोचबा तो कपार फाट जाए। अरे इतना ऊंचाई से गिर के क्यों बची महाराज, है इंसान हूँ सुपरमैन ना है। कितना सोचा था नहीं महाराज। बिजली का हाल बा बैद जी। आपने जो तेल मालिश के लिए दिया था मैंने रात भर इनका मालिश किया लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। अब आप बताइए हम क्या करें। काश इनके औरत इनके साथ में रहती तो हम कोनो और उपाय बताती। क्या मतलब है आपका? काहे कि इनके शरीर के गर्मी चाहिए जो नहीं खे, एकरा वजह से शरीर ठंडा पड़ गई बा। मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल इनकरा की जस्मानी गर्मी की जरूरत बा। अच्छा हम चलत बानी। चाहे जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। हम इंस्पेक्टर जय बाबू के कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। पगला गेल बड़ू का कजरी, तू का करे जा रहल बड़ू, तहरा पता बा? सब पता है हमें। तुम लोग बाहर मेरा इंतजार करो, किसी को अंदर मत आने देना। कजरी तू ही ठीक नहीं हो करत। प्यार और जंग में सब जायज होता है, कुछ भी गलत नहीं है। और वो जिस हाल में है मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। अरे कजरी कजरी Thank you.
अरे तू लेटा लेटा भाई लेटा, तू मेहमान बड़ा हो। ऐसे भी तो आज तबीयत ठीक नहीं है। वो तो अच्छा भइल की गोली तेरा बांह के चुके निकल गल रहे, ऐसे तो बच गई। अब देखा तेरा सामने दुइयों का रास्ता बा, या तो अपना आपके कानून के हवाले कर दे, या फिर हमनी से हाथ मिला करके हमनी के साथ दा। बाबा बिल्कुल परेशान होकर के जरूरत नहीं के, बाद में बात करब तोरा से। केहू कुछ भी कहे पर हमार दिल ई माने के बिल्कुल तैयार नहीं के कि जय सोनम के खून कैले होकी, उ जरूर कोनो न कोनो गलत फहमी के शिकार होके ई दुनिया से चल गई। हो सकेला माई कि सच्चाई कुछ और होके, ताहे कि सोनम हमार बेस्ट फ्रेंड रहे, वो हमरा साथे ही कहीं बाहर जात रहे, पता ना ऐसन कैसे हो गल। लेकिन विजय तो ये कहत रहे कि सोनम के पेट से चाकू जय निकालत रहे। विजय जय के सोनम के पेट से चाकू निकालत देख ले रहे, चाकू मारत ना, सच्चाई और कुछ हो सकेला। ठीक बा माई, थोड़ा देर खातिर हम रावर बात मान लेतानी, लेकिन जेल से भाग के जय खुद अपना गुनाह पर सच्चाई के ठप्पा लगा देले, कहा जरूरत रहे जेल से भागे के, ना वो जेल से भगते और ना पुलिस वालन की गोली के शिकार बनते। खैर ऐसन बात नहीं है माई कि विजय दुखी नहीं है, वो कानून के हाथे मजबूर होके जौन कुछ भी कैलन उकरा खातिर वो हमनी से ज्यादा दुखी बाड़न। इंस्पेक्टर, तरह गिरफ्तारी और तरह प्रेमिका के कत्ल के पीछे किक्कर हाथ बा, ये तोरा मालूम हो के चाहे ना मालूम हो के, लेकिन हमरा अच्छी तरह से मालूम बा तेरा पीछे के बा। मत देखा हमारा तरफ ऐसे, क्या कि जो ना शासन और प्रशासन के खातिर तो हमरा से आज तक लड़त रहा ना जान के बाजी लगा के, वही शासन और प्रशासन के हाथ बैग पीछे तोरा हिम्मत बदल सुना हम जौन बोलत बानी। अब फैसला तोरा हाथ में बाकी, का करब का ना करब। अब तो ही बताओ इंस्पेक्टर कि हम गलत बानी कि सही बानी, कि हम लड़ाई गलत बा कि सही लड़ाई बा, फैसला तोरा हाथ में बा। चाहे तो वापिस उहे जेल में चल जा जहां से भाग के आइल बड़ा, या फिर चाहे तो हमारा साथ में हथियार उठा ले, हमर पूरा के पूरा समूह तोरा साथ रही। हेलो के? अरे वकील, आवाज बड़ा जल्दी भुला गेले। अरे ते के आई बता ना। तोर बाप जय सिंह, इंस्पेक्टर जय सिंह। जय, आज के रात तोर आखिरी रात रही, समझ में आ जाई, मिला था नहीं तोहरा से। अरे साला ई तो जिंदा पा, अरे बाप रे। बोल वकील। नेताजी जिंदा बा। जय जिंदा बा नेताजी। का? हाँ बाबा, हाँ हमरा के मारे को कहता साला, हमरा के मारिया होता, अरे हमरा के बचा ले नेताजी। वकील, या तो तू पगला गिल बाड़े या फिर औकात से ज्यादा पी लेले बाड़े। अरे हम सोई कहते ली महाराज, ओकर फोन आई रहला, वो हमरा के मुंह आती, हमरा के बचा ली नेताजी, हमरा के बचा ली। तू एक काम कर, परेशान मत हो। हाँ, याजी से बात कर रहा बानी। और हाँ, घर से बाहर मत निकलिए तू। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक बा। ठीक, फोन रख। साले आवा थार कच्चू मुंह निकल का, साला हमारा के मर बे। हाँ साला, हाँ डिया जी। जी सर। जय जिंदा बा। कहा? हाँ। और अब हमार बात सुन ले, का करे के बा। ओ
आप एकदम चिंता मत करें, हम ओके देख लेते हैं। ओके। हेलो विजय। यस सर। जय जिंदा है। अच्छा, उसने अभी जो है ना वकील आकाश को जान से मारने की धमकी दी है। What? तुम तुरंत वहां पहुंचो और किसी भी तरह उसको जिंदा गिरफ्तार करके यहां ले आओ। ओके सर। ओके। अरे अभी तक ही पुलिस आई ले सन, लगा था कि हम रगे मुंह आ कर रही है सन। अरे पुलिस की कबाड़ हो। वकील साहब। अरे आप अभी आ रहे हैं और मुझे मारने के लिए धमकी दिया है। रहुआ घबराई मत, निश्चिंत रही, राहुल घर के चारों तरफ पुलिस तैनात बा, वो चाहकर भी राहुल कुछ ना बिगाड़ पाए। थैंक यू सर। सुनी अगर कोनो दिक्कत होके तो इन्फॉर्म करी। जी जी सर। जी एक्सक्यूज मी। ओके सर। हेलो पूजा। हाँ हाँ विजय, विजय तू जल्दी से घर आ जा। विजय हमरा के ऐसा बुझाता कि घर के आसपास के घूम रहल बा, हमरा के बहुत डर लग रहल बा। विजय ठीक बा। हाँ हाँ विजय, हाँ विजय तू जल्दी आ जा। विजय हम आवता नहीं। यस गीता। जी सर। तू यहाँ के ख्याल रखा, पूजा के फोन आयल रहे और वो कह दिया कि घर के आसपास में कोनो संदिग्ध आदमी नजर आयल बा। ठीक बा सर, रहुआ होइ जाए, हम एजे संभाल लेब। हम आओ तनी। ओके सर। मैडम। हाँ। जैसे जिंदा बानी जान के बहुत खुशी भइल। ठीक बा, लोग ठीक ही कहले, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न पाका कर सके जो जग बैरी होए। डंडा से तो टूटी अलग हो, झूठो करेला राजा पर दीप गुमान, तोहरे दीवानी होके बानी परेशान। कहता निरानी बानी मदद खाती, मदद खाती, ए सिपाही सैया कब ले अकेले रात काटी, ए सिपाही सैया कब ले अकेले रात काटी। बहकल मन रे राख ले बचा के ना तो लूट जाई धन रे, बहिया में ढाला राजा धीर मत धारा, हमरा जवानी बजलू मत कारा। पूछल तू कहला बाकी हिल नहीं पाती,
खेली नहीं पाती, ए सिपाही सैया कब ले अकेले रात काटी, ए सिपाही सैया कब ले अकेले रात काटी, कब ले अकेले, कब ले अकेले। आ हेलो, अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम सलाम। कौन जनाब? को अल्ताफ मियां कहते हैं, लखनऊ से आया हूँ। जी जी, कहिए जनाब। एक केस के सिलसिले में मिलना चाहता था, बहुत जरूरी है। इतनी रात को? माफी चाहता हूँ जनाब, कल सुबह की हमारी गाड़ी है, आज रात का ही समय है। हम तो अगली बार मिलना चाहते थे, लेकिन हमारी बेगम साहिबा ने इतना जिद किया कि क्या करें। अब बेगम साहिबा इतना जिद कर ही रही हैं तो सोचा कि आज मिल ही लिए। जी 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 जी, कोई बात नहीं, आप आ जाइए। क्या है कि हमारे घर के बाहर पुलिस लगी है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, मुझसे बात करवा दीजिएगा, आ जाइए। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया। अरे बाप रे। रुकिए, आप लोग कौन? वकील साहब से मिलने आया हूँ, वकील साहब से बात हुई है। एक मिनट, मैं बात करती हूँ। हेलो। हाँ वकील साहब। सब इंस्पेक्टर गीता सिन्हा। हाँ जी बोलिए। कोई मौलवी साहब उनकी बेगम आई हैं। हाँ हाँ, उनको आने दीजिए इज्जत के साथ। जी सर, ठीक है, मैं भेजती हूँ, जाइए। चलो बेगम। आदाब। आदाब, बैठिए। आदाब। आदाब, बैठिए बेगम। जनाब, आप किस सिलसिले में बात करना चाहते हैं? क्या है ना वकील साहब, हमारा उम्र 55 है और हमारी बेगम का 17 है। हाँ? तो हम दोनों घर से भाग के निकाह कर लिए हैं। अब इनके घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि ये नाबालिग है, इसी सिलसिले में आपसे बात करने आए हैं। अच्छा, ये 17 की है, ये कैसे पता चलेगा? जरा शकल तो दिखाइए। शकल दिखा दो वकील साहब को। आप माफ कीजिएगा जनाब, मोहतरमा 17 की तो नहीं लग रही हैं। बेगम, जरा जलवा दिखाइए वकील साहब को। आप ये 17 की ही लग रही हैं। पूरा। क्या है ना वकील साहब, हाँ जनाब, आप तो बेगम घर से भाग गई ही हैं, तो इसकी 19 साल का सर्टिफिकेट बना हुआ है और इसको कोर्ट में सही साबित कर देना है। हो जाएगा, लेकिन फीस 4 गुना लगेगा, 4 गुना। अरे वकील साहब, आप जनाब मुंह खोले, आपके मुंह में बारूद भर दूंगा। अब बारूद क्यों? बारूद क्यों? बारूद क्यों? मौत के सामने देख लेता तो रुआ कांप गई। अरे बाप रे बाप, जय बाबू, गलती हो गई, हमरा के बाप करी। माफ करी, असही बेगुनाह हम हो रही कोर्ट में, कोर्ट में गुनाह साबित के लिए रही थे, और माफ कर दी, हम तो ऐसा सजा देव ना, तोर इल्जाम तोर ऊपर लागी। अरे बाप रे बाप। ए वकील, तोर व्यवस्था कर दे ले बनी, जैसे हम बाहर जाए ते ऊपर।
लोग मारे गए। शुक्रिया शुक्रिया। चलो जय सर। ये मौलवी तो जैसा जैसे लगा था। नीता जी सर, सब ठीक बा? हाँ सर सब ठीक है। अभी कोई गाड़ी बंगले से बाहर जात रहे, कोई आयल रहे? हाँ सर, कोई मौलवी साहब और उनके बेगम आयल रही, लेकिन हम वकील साहब से पूछ के अंदर भेजनी। मौलवी बेगम? ओह नो। हमरा पूरा विश्वास रहे कि हमरा प्यार हमरा जय के कुछ ना हो सकेला। वो मौलवी के हुआ और ना जय तू ही रहला। I love you जय, I love you so much। पाउडा बना पता, हे राजा सिज पाउडा बना पता, सिज पाउडा बना।
कितने आश्चर्य की बात है, हमारे जेल से भागा हुआ एक मुजरिम जिसे हमारे ऑफिसर्स गोली का निशाना बनाकर मृत घोषित कर दिए थे, और वो अपने जीवित होने का सूचना भेजता है। और तो और छोड़िए, वो पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर घर में घुसकर पंखे से लटका करके हत्या कर देता है, और हमारा डिपार्टमेंट हाथ मलता रह जाता है। सर, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो कोई आम मुजरिम नहीं है, वो हमारे डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर है। उसे हमारी गतिविधियों की और समझ की भी जानकारी है, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है सर। वाह एसपी साहब वाह, आप तो उसकी ऐसी तारीफ कर रहे हैं जैसे कि वो बहुत बड़ा देशभक्त है। और मिस्टर विजय, आप उस रात कहां गायब हो गए थे ड्यूटी से? एक्चुअली सर उस वक्त सॉरी सर, बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन सर की मंगेतर का फोन आया था तो मैंने ही बोला सर आप चले जाइए, हम संभाल लेंगे। वाह खूब संभाला आपने, खूब संभाला। आपकी आंखों में धूल झोंक के वो घर के अंदर चला गया। सर माफी चाहूंगी, लेकिन हमने आकाश जी से इजाजत लेके उन लोगों को अंदर भेजा था, उन्होंने बोला कि वो उनकी क्लाइंट है। सर छोट मुंह बड़ बात, जोन भी गलती भइल से भइल, अब आगे का करे के बा ओपे विचार कई जाए। सर विचार क्या करना है, जल्द से जल्द उसका पता लगाना है और उसको गिरफ्तार करना है, वरना आगे पता नहीं वो क्या क्या करेगा। नो कमेंट सर, हम जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि हमारी कई खुफिया एजेंसी भी इस पर काम कर रही है सर। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमें इसी तरह पूरी मेहनत और लगन से काम करना है कि कोई और मुजरिम ना भाग सके। अगर ऐसे ही होता रहा ना तो जनता और मीडिया को जवाब देना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। नो प्रॉब्लम सर, हम जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लेंगे। ओके, अब आप लोग जा सकते हैं। ओके सर। हेलो, कौन? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूं। पहले मत बुझा, नाम और काम बताओ। अरे साहब आप बड़े बड़े लोग हैं, आपके सेवा में 24 घंटा हाजिर रहना चाहता हूँ, यही तो मेरा काम है। हमारा नंबर तुरा के कहाँ से मिला? ये सब मत पूछिए, अब काम के बात सुन। अभी एकदम कांच कली कमसीन आईल भी अपने पास, अगर कहीं तो सेवा खाती भेज दिया ही टाइम। बात में तदंबा, अगर तुर काम में दम निकलल तब मांगा रकम दे। अरे ना साहब, आप बस खुश हो जाएं, हमें हमेशा याद रखें। चल भेज।
लगा दी मैंने तेरे इंतजार में, तेरे इंतजार में। जुल्फे खुली खुली है तेरी तू है कमाल की, जुल्फे खुली खुली है तेरी तू है कमाल की। मैं शराबी तू शबाब बंगाल की, मैं शराबी तू शबाब बंगाल की। समाऊंगा अग्न मिटाने वाली, प्यार बरसाऊंगा, प्यार बरसाऊंगा। मस्त जे बर मज माते मरे लाले मेरे गाल के, मस्त जे बर मज माते मरे लाले मेरे गाल के। तू शराबी मैं शबाब हूं बंगाल की, तू शराबी मैं शबाब। शराबी तू शबाब बंगाल की, तू शराबी मैं शबाब बंगाल की। गीता जी सर, एगो बहुत जरूरी खबर मिलल बा। ओ का सर? जय बाबा टाइगर से मिलल बा और वो ओकरे साथ में रहता। अब तक जितना घटना भइल उस सब के अंजाम वही देता। सर लेकिन ये कैसे हो सकेला? जोन ऑफिसर इस संगठन के खिलाफ हमेशा रहे वो कैसे मिल जाए? अरे ये तो हमू सोचता नहीं कि वो ये सब काहे कर रहल बा। गीता हाँ सर, जैसे हमरा मिले के बा एक मीटिंग करवाओ, हम जाने लगे ये काम तू ही कर सकेलू। ठीक बा सर, हम कैसे भी करके जय सर से मीटिंग करवाए और बहुत जल्दी मुलाकात हुई। ऑलराइट, ओके सर। हेलो। हाँ डीआईजी साहब। हाँ पता चलल बा जय सर बाबा टाइगर के साथ मिल गेल बा। का जी सर, खबर पक्का बा? अभी विजय सर के गीता मैडम के बतावत सुन ली हा। एकदम पक्का बा खबर? ठीक बा। हाँ भाई, वो जयवा जोन बानू वो बाबा टाइगर से मिल गेल बा। ई का कहता रहा? अब हमरा समझ में आयल कि सारा घटना के अंजाम वो कैसे देत बा। उस तीन का सांप बुआ एक देख ले। नमस्कार नेताजी, नमस्कार। तोर नमस्कार गल तेल लेवे बाबा, ये हम का सुन रहल बानी कि जय तोहरा साथे बा। एमे आश्चर्य के कौन बात हो गेल भाई, वो भी बागी हम भी बागी, हम दोनों साथ साथ बानी। राउर का है फटक। औकात में रह के बात कर बाबा। औकात में तू रह के बात कर, वरना अगर पलक झपक दी ना तो तेरा पलक हमेशा हमेशा खातिर बंद हो जाए। हमार बिल्ली और हम ही जिम्मे हूं। ठीक है बाबा, तू देख तोर का हालत करी ले। तोर दिन का चैन और रात का नींद ना हराम हो गई ना तो हमार नाम माधव ना, बस तू इंतजार कर। ये अमर नींद और चैन हराम करे खातिर तू आराम मत करे लगी है, वरना अमर जय कब मौत बन के तेरा दरवाजा पे दस्तक दे दी मालूम भी ना चली। बाबा बाबा चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, वरना तेरा हलक में इतना बारूद डाल दे ना कि पिछवाड़ा से जब फटी ना तो चिथरा चिथरा हो जाए। बाबा जे पतलून सिलावे लानो वो पिसाब करे के जगह भी बना के रखेला। हम तोरा के पल्ले बानी ना तो तोरा के मिटावे कभी कुबत बा हमरा में।
अब तो रोके हम बताइब की हमारो कात का बा। हेलो। हाँ विजय सर। हाँ गीता बोलो। जी जय सर से मेरी बात हो गई है, आज रात आप उनसे शहर के बाहर वाले रोड पे मिल सकते हैं। वेल डन गीता, वेल डन। बस हम अभी ही निकल रहे बानी। ओके सर, ओके, थैंक यू। देख जय, हम तो दोस्त हैं, दुश्मन ना। हमार बात ध्यान दे के सुन। ते हमार बात सुन, ते हमार दोस्त रहले। अब ना, अब ते सिर्फ हमरा खाते को पुलिस अफसर बढ़े और हम जेल से फरारे को कैदी। काम के बात कर, सिर्फ काम के बात। तो काम के बात सुन, सारा पुलिस डिपार्टमेंट के पता चल चुकल बा कि तू बाबा टाइगर के खेमा में बाड़े। का कहल चाहते थे, का समझाओ चाहते रहे? अरे हम तोरा के समझाओ के कोशिश करता नहीं कि बाबा टाइगर जैसन देश द्रोही के साथ मिलके जौन काम कर रहल बाड़े वो ठीक नहीं के, छोड़ दे वो सब। का किले बनी हम? का किले बनी? फिर से बोल। बोली ना, का किले बनी हम? वकील आकाश और बालू माफिया रंजीत के मर्डर करके और कताड़े के का किले बने हम? बिना अपराध के ती और तोर पुलिस डिपार्टमेंट हमके सजा दिहलस और त्या के नसीहत देता रहे हमरा के। हम तोरा के ना नसीहत देता नहीं और ना ही हम तोरा के सजा दे ले रहनी। हम तो अपन वर्दी के खाली फर्ज निभाओ ले रहनी। अरे सजा तो तोरा के कानून देहलस, काहे कि सारा सबूत और गवाह तोरे खिलाफ रहे। ते और तोर कानून के पास हमरा खिलाफ ना कोनो गवाह बा ना कोनो सबूत बा। जाहे दिन तोरा भी सबूत होई ना ते हमसे बात करिए, चल तनी। अजय, अगर तोर यही मर्जी बा तो अगला बेसबूत के साथ मिलब। इंतजार रही। बाबा, एक पुरान कहावत बा, चोर चोर मौसेरा भाई है? देखा बाबा, हमनी के आपस के लड़ाई में ना दूसरे का कुछ ना बिगड़ी, हमनिया का बिगड़ी जब बिगड़ी। और वैसे भी राजनीति कह ले कि जनता के सामने तब तक हाथ जोड़ के खड़ा रहा जब तक कुर्सी हाथ में ना जाए। हमार बात मान जा बाबा, फिर से हमने एक बार हाथ मिला ली, दोनों को फायदा हुआ है। नेता, तुक के चाटे की आदत तोनी नेतवन के हो सकेला, हम बागियन के ना। हम दोनों शासन प्रशासन के खिलाफ जरूर बनी, लेकिन हमर सिद्धांत और वसूल कुछ और बा। रहल बात हाथ मिलावे के, तब तो तू भूल जो नेता कह के अब जवन भी होई खुला मैदान में आमने सामने हुई। रख फोन। बाबा। कजरी, तो के एजा कैसन लागे था भूला? बहुत। का हो गई? कजरी? हम वैद जी के बुलावा था नहीं? ना, ना बिजली। काहे? बैद जी के बुलाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या हुआ है। का बात बा कजरी? हाँ बिजली, किसी को कुछ बताना मत। ठीक बा। भैया, ये हम कहाँ सुना था नहीं? कजरी माँ बने वाली भैया मालूम बा हमरा। पर भैया, ओकरा से हम प्यार करेला तो भूल जो ओकरा, जवन हो गई तवन हो गई। पर वैसे भी हमारा उसूल बाकी कभी भी कोनो मेहमान के साथ कोई भी गलत हरकत न कर सकेला। भूल जो ओकरा, बुझले? ठीक बा। बाबा, अब घबराए के कोनो बात नहीं है, हम तुम्हारा साथ बनी।
और हम कजरी के अपन पत्नी शिकार करल चाहते नहीं, बस तुम्हारा आदेश चाहिए। शबनम? शबनम? मैं शबनम नहीं, मेरा नाम कजरी है। शबनम, हमरा सब पता चल चुकल बा, बाबा टाइगर तुहरे बारे में सब बता चुकल बा। हाँ, तुहरा से कोनो गलती नहीं है भाई, काहे से तू हमार जान बचौले बड़। मैंने जो कुछ भी किया है इंसानियत की खातिर किया है। अगर तू ना रहतू तो हमार जान ना बची। तुहरा खातिर इंसानियत बा, हमरा खातिर जिंदगी और मौत का सवाल रहे। आखिर जिंदगी दिले बड़ो, जिंदगी संभारे के तुहरे के पड़ी। बस तू हाँ कहता, हम सब संभार ले। हाँ। वालेकुम असगर भाई। वालेकुम अस्सलाम बाबा। बाबा, ये तुमने क्या करवा दिया? मैंने उस लड़की को किस काम के लिए भेजा था? और सुन रहा हूँ कि वो लड़की माँ बनने वाली है।
असगर भाई अब ये मुझे भी नहीं मालूम कि कैसे वो इंसानियत के चक्कर में पड़ गई। बाबा एक आतंकी और लड़की वहां जाकर मोहब्बत के चक्कर में कैसे पड़ गई? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है बाबा। बाबा मैं खुद हिंदुस्तान आ रहा हूँ मोहम्मद के साथ साथ। मुझे वो दोनों पुलिस ऑफिसर भी चाहिए। असगर भाई आप आइए, आप बेफिक्र आइए, आप यहाँ पर हिंदुस्तान में आपके पहले कदम का स्वागत तहे दिल से करूंगा मैं, आइए आप। ठीक है बाबा, मैं हिंदुस्तान आ रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा इकर मतलब तू शादी के पहले माई बन गई हूँ। अरे काहे हमार बहुरिया की खिंचाई करत आरू। जैसे तू विजय के होखे वाली दुल्हन बाड़ू, वैसे ई भी जय के होखे वाली दुल्हन बाड़ी। माँ जी मैं तो एक कश्मीरी लड़की हूँ जो असगर खान जैसे आतंकवादी के बहकावे में आके गलत काम कर रही थी, लेकिन जय के प्यार ने हमें सही रास्ता दिखाया और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को कोई आतंकवादी या नक्सलाइट कहे। इसीलिए माँ जी आपसे एक गुजारिश है, आप जय को समझाइए कि वो अपने आप को कानून के हवाले कर दे। हाँ माई कजरी एकदम सही काट दिया, रवा अगर जय के समझाए तो जय समझ जाइए, काहे कि हमरा की विश्वास बा जय राउर बात ना टलिए। ठीक बा हम जरूर समझाए। नमस्ते मैडम। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। का बात बा? मैडम रुवा के विजय से बुलेले बड़े। कहाँ? पुराना हवेली के पास। पुरानी हवेली लेकिन कहे? ये सब हमरा के नहीं पता। एक मिनट हम बात करत आनी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फोन नहीं खेलागत। चली चली मैडम जल्दी बुलावले बड़े। लेकिन अचानक कोनो फोन नहीं खेल, सब ठीक बा ना? हाँ ठीक बा। चला हम वहाँ जाके क्या करेंगे? अरे चला ना साथे, चला तू भी चला। अरे लेकिन काहे खातिर बुलाइले बड़न? अरे कहाँ ले जात बड़ा? माँ जी हम तो वह करता नहीं जो सर कहले बड़े। लेकिन अचानक बुलाए क्यों हैं? अरे मैडम हमरा का पता, विजय सर भेजले हैं सबके बुलावे खातिर। आई बैठी बैठी गाड़ी में बैठी। हेलो जय सर, मैं हवलदार पांडे बोल रहा हूँ। ओ पांडे कैसे हो? आपके कजरी को विजय सर ने पुरानी हवेली के पीछे कैद करके रखा है। ठीक बा आवत नहीं हम। हेलो हेलो विजय सर, मैं हवलदार पांडे बोल रहा हूँ। हाँ पांडे बोलो। सर आपके लिए बहुत बुरी खबर है सर। क्या हुआ? सर जय सर आपके घर गए थे और आपकी माता जी को और सोना मैडम को पुरानी हवेली के पीछे ले गए और उन्हें कैद कर रखा है। सर आप जल्दी कुछ कीजिए, उनकी जान को खतरा है। क्या बकवास कर रहा है तू? ठीक कह रहा हूँ सर। गद्दार तो ये सब काला करी तोर है। चल आज हम तोर भांडा फोड़ा था नहीं। चल कहे वाला ठीके कह ले बा, जब विनाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक चला जाता है। अरे तोर विनाश के समय आ गिल बा, यही से तोर बुद्धि भ्रष्ट हो गिल बा। चुप, हमार बुद्धि भ्रष्ट हो गिल बा, बुद्धि तो तोर भ्रष्ट हो गिल बा। कि तोरा अपन अपराया के समझ ही नहीं खे, समझ रही ता कजरी हमरा फिर आ गई रही। का हम कजरी के किडनैप कर ले बनी? अरे तू माई के किडनैप कर ले बड़े। वाह जय वाह, बाबा टाइगर जैसन के साथे रहते रहते तू शैतान बन गिल बाड़े। लेकिन हमरा ऊपर तोरा खेल के कौन असर ना होई? चुपचाप बता दे माँ कहाँ बिया। माँ कहाँ बिया ते बताओ, कजरी कहाँ बिया? ए हमार दिमाग ज्यादा खराब मत कर, चुपचाप बता माँ कहाँ बिया, बता।
रुक जाइए सर, रुक जाइए, रुक जाइए सर। गीता। सर, रौरा लोग जोन गलत फहमी के शिकार बानी जा, ओकर मेन जड़ ई है। का? हाँ सर, हमने लोगन के बीच में रह के इस सारा इन्फॉर्मेशन डीआईजी तिवारी के देवेला, और डीआईजी तिवारी होम मिनिस्टर के पालतू कुत्ता है। सर, होम मिनिस्टर और डीआईजी तिवारी मिलके माई और कजरी के बंधक बनो लेबा, और पूजा मैडम भी ओकरा पास बाड़ी। तोरा जैसन लोग पुलिस डिपार्टमेंट के बदनाम कर लेबा। माँ और कजरी कहाँ बिया? ए, बता कहाँ बा, कहाँ लेके गए लेबा बता। माधवपुर के खंडहर में सर। माधवपुर के खंडहर में। वो जब रेगिस्तान में चले ला ना, तो अपना ऊंचाई पे बहुत इतराला, और वह ऊंट जब चलत चलत पहाड़ के बगल से गुजरे ला ना, तब ओकरा के ओकर औकात पता चलेला कि ओकर औकात चींटी से ज्यादा नहीं की। औकात के का भरोसा, उतर पलक झपकते बदल जाए। पहाड़ के बगल से चले वाला ऊंट जब पहाड़ के ऊपर चढ़ जाला ना, तो पहाड़ के औकात भी सामने आ जाला। कुत्ता, कुत्ता अगर बैठा लूट के सामने खड़ा भी रहेला ना बाबा, तब भी ओकर ऊंचाई बैठा लूट से कम होला। उहे कुत्ता जब वफादारी पे उतर जाला ना, तो बड़का से बड़का ऊंट के भी ऊपर भेज देवेला। कठपुतली, कठपुतली वाले बाबा थे जेकर डोर नचावे वाले के हाथ में होला। हाँ, गलती तो कर दे ले, कि दोनों के उठा करके बहुत बड़का गलती कर दे ले, तो खुद अपना हाथों अपना मौत के नोता दे दे ले। मौत तब वो दोनों को हुई बाबा, जय विजय कर, वो हमारा हाथ है। अगर तय भी है नेता, ये जड़मौत के खेल खेल लल बाड़े ना, वो बाबा टाइगर खातिर हर जोश के खेल बा, तू अपन चिंता कर नेता। कहे कि पावर टाइगर जब एक बार अपना दुश्मन के तरफ कदम बढ़ा देवेला, फिर बिना दुश्मन के गला दबोच ले कदम वापस न जाना। बाबा देख तो, बस बाबा बस। अगर ते शेर बाड़े ना, तो हम हो गीदड़ नहीं खे, बब्बर शेर बाड़ी। अगर पंजा मार देनी ना, तो ची थड़ा उड़ जाई। तो चल कल मुकाबला, तो खा मखा ऊपर गेला के बाद अपने आप के कुश में कि हम कुछ न कर पाए। चला गोले जी। हाईली hey!
सारकास बंद। तोहनिया का इंतजार है। जब प्यार का जनाजा यार के कंधा पे निकले लाना, मजा कुछ और आवेला। अरे बाबा टाइगर माओवादी तोहनी के साथ जुलूस में शामिल होकर खातिर आ गई बा, यो मरी। बाबा टाइगर से बड़का माओवादी था तू बड़े, तू सजा तोड़ा के मिले के चाहिए। सजा मिली तोड़ा करने के आज और अभी। के दी सजा हम रखी है, के दी रे तोहनी या ऊपर वाला। नेताजी एक कलयुग है और हर इंसान के अपने करने की सजा एहजे मिलेला। ए रुक, बुढ़िया के बचावल चाहता रहता, दोनों पीछे हट जाओ। भाई के समान है। चाची तू ठीक बड़ो नू बेटा? भाई बेटा ठीक बड़ो? हम ठीक बड़े। गीता जय सर। गीता तुम्हारा कुछ नहीं, हमारे साथ ही हैं इस तक के। हम बानी नू। हाँ गीता, गीता मंत्री की औलाद, सफेद पोश गुंडा, हमने नक्सलाइट ना दे, असली नक्सलाइट तो तू लोग बारे, तू लोग बारे। आतंकवादी असगर खान, बाबा सुना है तुम आतंक का साथ छोड़कर इन मामूली लोगों का साथ दे रहे हो। असगर भाई हमारा अपना कुछ उसूल है और अपने उसूल के खिलाफ तुम कभी भी नहीं जा सकते। वाह बाबा वाह, दो मुंह सांप निकला तो मान गए तुझे, कमाल कर दिया तूने। हमारा स्वागत इतनी बेरुखी से। असगर भाई ये गद्दार हैं और गद्दारों के साथ सुलूक ऐसा ही होना चाहिए। तो ठीक है बाबा, आज के बाद मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। इला भैया क्या हो रहा है, ली जगह से अपना। हट।
अच्छा वो शबनम, तुम आ गई। चलो भाग चलते हैं, थोड़ी ही दूरी पे हेलीकॉप्टर हमारा इंतजार कर रहा है। हम यहाँ से भाग जाते हैं, कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। चलो तुम्हारे साथ। हमारे हिंदुस्तान में मजहब के नाम पे न जाने कितने नौजवानों के दिमाग में जहर फैलाने वाले के साथ में भाग चलूं? कभी नहीं असगर खान, तुम्हारे जैसे लोग न जाने कितने ऐसे नौजवानों को गुमराह कर उनसे गलत काम करवा रहे हो। तुम्हारे जैसे लोगों का सिर्फ एक ही सजा है। जय अरे हमारे बेटा विजय, ठीक बड़ो ना माई? ठीक बड़ा ना। लस्सी हम साहब भी आ गए लन। अभी अभी जानकारी मिली है कि यहाँ कोई हेलीकॉप्टर उतरा है, उसमें आतंकवादी असगर आया है क्या? सर आपको सही इन्फॉर्मेशन मिली है, वो आया था और अभी अभी मारा गया। हाँ। और हाँ सर, इस मिशन में हमारे होम मिनिस्टर और डीआईजी साहब भी मिले हुए थे। उनकी जन्म कुंडली की जानकारी है मुझे। वो भी मारे गए सर। वेल डन। और मजे की बात तो यह है सर, असगर को मारने वाली ये कश्मीरी लड़की है जिसको कभी उन्होंने गुमराह किया था। बहुत अच्छा, ये तो और खुशी की बात। नमस्ते। इस कश्मीरी लड़की ने हमें जीने का सबब दे दिया है, इसलिए हम अपने पूरे गिरोह के साथ आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। अरे स्वागत है, आओ। सर से एगो रिक्वेस्ट बा, हमने दोनों आदमी के जरूरी काम खातिर छुट्टी चाहिए। ई बेर 2 महीने की छुट्टी चाहिए, ताकि हम अपन दोनों बेटा के शादी करके दोनों बेटा बहू के हनीमून पे भेज दी। तब से जवानी जागल बा, हस्न में आगे लागल बा। ¡Rota!